नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी, स्वागत करती हूं आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। बिग बॉस में मायशा और ईशान के रिश्ते की खबरें बहुत ज्यादा उड़ रही थी, जिस तरीके से उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और वो उनकी नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से सलमान खान ने भी उनकी फटकार लगाई थी और उनको हद में रहने की बात करी थी। लेकिन आपको बता दें, मायशा और ईशान एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है और मायशा इस पर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल आपको बता दें कि जब से घर में राजीव की एंट्री हुई है, वो जब से घर के अंदर वो आए हैं, तब से वो सभी को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के बीच में लड़ाइयां करा रहे हैं। और उसने जाकर के मायशा और ईशान के बीच में भी लड़ाई करवा दी। उन्होंने जाकर के मायशा से ऐसा बोला है कि जिस तरीके से आपका ईशान के साथ रिश्ता है, बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और जो फैंस हैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, एक दिखावा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मायशा उनकी बातों में आ जाती है और वो जा करके ईशान से बोलती हैं कि वो उनसे दूर रहें और वो अपना बेड भी उनके साथ शेयर करने के लिए मना कर देती हैं। ईशान को ये सारी बातें सुनकर मायशा की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ईशान मायशा को फटकार लगा देते हैं और वो जब फटकार लगाते हैं तो मायशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उनके गुस्से की वजह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद करण कुंद्रा आकर के आपको बता दे कि मायशा और ईशान, जो मायशा और ईशान की जोड़ी है, वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लेकिन आपको बताएं कि करण कुंद्रा उनको भाई मानते हैं, मायशा को अपना। तो करण कुंद्रा जब देखते हैं कि मायशा फूट फूट कर रो रही है, वो जा करके उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भाई होने का धर्म भी निभाया है। लेकिन मायशा और ईशान के बीच में जो राजीव के आने से दूरियां आ गई हैं, देखते हैं क्या नया मोड़ लेती हैं।